सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में अखिल ब्राह्मण परिषद और परशुराम युवा वाहिनी ने प्रदर्शन किया है और सीएम शिवराज के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दिनेश सिंह तोमर को 10 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में बताया गया कि भारतीय समाज और संविधान में समानता और सम्मान का अधिकार बेहद स्पष्ट है, लेकिन गरीब ब्राह्मण पुजारियों को संबल योजना में शामिल नहीं किया जा रहा। साथ ही परशुराम युवा वाहिनी ने यह मांग की है कि प्रदेश के सभी जिलों में परशुराम मंदिर और मंगल भवन बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए। हम सब युवा वर्ग के ब्राह्मण आज यहाँ पर अनुविभागीय अधिकारी के पास एक ज्ञापन लेकर आए, जिसके अंतर्गत जो छात्र छात्राएं जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, कम से कम उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान हो और जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर दिया जाए। स्कूल शिक्षा में संस्कृत शिक्षा को पूर्ण रूप से किया जाए, गौशाला के लिए प्रबंधन किया जाए। ये हमारी सारी मांगे हैं जो आज हमने एसडीएम साहब के सामने रखी है।